पवन सिंह के फैंस कहते हैं कि वो पवन सिंह के फैंस हैं, बॉस के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन भाई ये क्या, खेसारी के फैंस तो एटलीस्ट दमखम दिखाते भी हैं। आपका दमखम कहाँ गया कि पवन पुत्र का ट्रेलर रिलीज हुआ और 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों ने भी नहीं एक दिन में देखा। खैर इसके बारे में हम कोई नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्या हुआ कि पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र का ट्रेलर डब्बा हो गया। खैर आगे हम ये बात करने वाले हैं कि पवन सिंह के एल्बम की जो हीरोइन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, जो कि हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और कई रियलिटी शोज़ जज भी कर चुकी हैं लॉरेन, उन्होंने बड़ा ही प्यारा मैसेज भी दिया है सभी को। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भाई उनका जो ये फर्स्ट टाइम होली एल्बम में उन्होंने काम किया है, वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इसे लेकर, और उनका पवन सिंह के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है काम करने को लेकर, और वो चाहती हैं कि लोग इस एल्बम को, जब ये गाना आए कमरिया का, लोग इसे बहुत प्यार दे, उन्हें भी प्यार दे, वो आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं। वैसे तो ये गाना हिंदी होली सॉन्ग है और इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं लॉरेन, क्योंकि पहली बार पवन सिंह किसी हिंदी गाने को आवाज़ दे रहे हैं ऑफिशियली। तो भाई लॉरेन के लिए ही सही, लेकिन पवन सिंह के फैन से अपील है कि उनके इस गाने को, कमरिया गाने को, जो होली का सॉन्ग आएगा, उसे सुपर डुपर हिट बनाइए, उसे भाई साल का सबसे बड़ा हिट बनाइए। क्योंकि वैसे भी पवन सिंह कभी ट्रेंडिंग स्टार हुआ करते थे, उनके गाने, उनकी एल्बम, उनकी फिल्में ट्रेंड में हुआ करती थी, यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में हुआ करती थी। लेकिन ये सब कुछ देखे तो ऐसा लग रहा है एक ज़माना बीत गया है। न जाने क्या हो गया है पवन सिंह के फैंस को कि भाई वो आजकल, उनके फैंस उनसे नाराज चल रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।